जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज वीकेंड है तो मेरा कुछ प्लान है कि मैं जा रहा हूँ कटिंग के लिए और कुछ ये बियर वगैरह कुछ रूटीन फेस तो फेशियल लाइक ये मेरी आज की एक्टिविटी है। अभी मैं उस वक्त निकलने लगा था, अब भाई अपनी पार्किंग में जाऊँगा, वहाँ गाड़ी खड़ी हुई है तो गाड़ी पे चलेंगे इंशाल्लाह सैलून सैलून से कटिंग। क्या टाइम हो गया है? 4:30, 5 बजे की अपॉइंटमेंट है और 4:30 हो चुके हैं। ये देखिए आपको मैं घड़ी भी दिखाता हूँ, आई थिंक नहीं नज़र आएगा टाइम। तो अभी चलते हैं, बुक करते हैं सैलून की तरफ और मेरे साथ आइएगा। इसलिए आज का वली भी लोग हैं वो कटिंग के हवाले से कटिंग करवाएंगे और फेस मसाज हेड मसाज पक्की काफ़ी ज़्यादा रफ हो चुकी है मेरी कटिंग। जैसे ही मैं भाई निकलने लगा था तो क्योंकि मतलब इवनिंग टाइम हो रहा है, 4:30-5 बजने वाले हैं, तो मैंने कहा चलें अपर भी पहन लेते हैं, अपर पहन लेते हैं क्योंकि बाइक का मौसम थोड़ा टाइम लग जाएगा, रात हो जाएगी बाइक तो अपर विंटर्स काफ़ी टाइम बाद माशाल्लाह पाकिस्तान में आ चुका है, तो चलें निकलते हैं। गाड़ी की कीज ले लेते हैं, गाड़ी की मेरी पड़ी हुई है इधर अलमारी में, बाइक की। और फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं गाड़ी में तो आ गया हूँ, अब गाड़ी से हम जाएंगे सैलून की तरफ। आज मेरी वहाँ अपॉइंटमेंट है, कटिंग करवानी है और कुछ फेस वॉश वगैरह फेशियल्स और हेड मसाज हैं और साथ बियर वगैरह की इसकी भी सेटिंग वगैरह करवानी है। अब चलते हैं, मूव करते हैं यहाँ से। जी अब हम जा रहे हैं सैलून की तरफ, ऑन द वे हैं और मैंने कहा चलें थोड़ा टाइम है वैसे आपसे भी थोड़ी गपशप हो जाए। मौसम पंजाब में ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि सर्दी मतलब विंटर आ गया और गर्मी को टाटा बाय बाय कह दिया है, तो कल भी यहाँ काफ़ी बारिश हुई थी तो मौसम अब काफ़ी माशाल्लाह अच्छा हो चुका है, अब सर्दियाँ ही सर्दी इंजॉय ही इंजॉय। और मेरा प्लान है वैसे इस जैन में इंशाल्लाह मैं जाऊंगा नॉर्दर्न एरियाज़ में, जो कि मैं आपको वहां जाके नॉर्दर्न एरिया को एक्सप्लोर करूंगा। लाइक पहली जो स्नोफॉल होगी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा वहां पहुंचने की नॉर्दर्न एरियाज़ में। तो बस इस तरह आप ज़रा सपोर्ट कीजिएगा, आप मगरब का टाइम होने वाला है, अजान होने वाली, मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। फाइनली मैं अपने सैलून पे आ चुका हूँ, यहाँ कटिंग होगी। किधर है मेरा मास्टर कटिंग वाला? चलो आ जाओ, ये मेरा दोस्त है, ये अब मुझे मेरा हुलिया बेहतर करेगा ये बंदा।